वंदे मातरम। अब कहाँ चला ली लड़की उतरेगी? रुक जा रुक जा, अरे रुक जा रुक जा भाई रुक जा, अरे आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सुन दीवारे नीले आसमान के तले, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सुन दीवारे नीले आसमान के तले। अब कहाँ चला ली लड़की उतरेगी? रुक जा रुक जा, अरे रुक जा रुक जा भाई रुक जा, अरे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? हैप्पी रिपब्लिक डे। क्यों भाई? हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आ जाए मेरे साथ प्रेम भाई। तो हम जहाँ आए हमने आपको बताया नहीं था, बट अब बताते हैं, चलते हैं ऊपर, क्योंकि यार क्या है ना, सुबह सुबह ठंड बहुत होती है, बात नहीं करता। लेट्स गो। मुझे क्यों क्या बोलते हैं इसको, ब्लॉगर अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कितनी ऊपर है, असीरगढ़ किला। भाई कहाँ गए हम? भाई हमारा कोई प्लान नहीं था भाई, सडनली तो सडन भाई रिपब्लिक राइड थी हमारी तरफ से। आज चलते हैं कहीं नई प्लेस देख के आए, घूमते घूमते पूरा आ चुके हैं। इंदौर से कितने किलोमीटर है भाई? 170। हाँ 170 रिटर्न भी जाते हैं। सारे राइडर्स के पास पूछते हैं, यही लेता है ये सौरभ दादा ही राइड करवा रहे हैं सब दूर, हमें बहुत घुमा दिया है इनने। ये सडनली प्लान बनाया, सडनली प्लान बना था क्यों सौरभ दादा? रिपब्लिक प्लान बना हम लोगों का, पहले से था प्लान पर कैंसिल हो गया था, लिस्ट में था बहुत दिनों से, बहुत टाइम से था, दिनों से नहीं हफ्ते हो गए, सालों से था। पर आज ऊपर वाली कृपा से आज यहाँ पे हुआ है, राइड कंफर्म हो गया हमारा, राइड कंप्लीट हुआ है। थैंक्स सब सब भाइयों को, सब सब राइडर्स को, सबको प्यार और सबको हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं। जय
चलो आगे चलते हैं। वंदे मातरम। सौरभ दादा अपन को बताएंगे कहाँ चलना है। ये बहुत पुराना मस्जिद है। हाँ मैंने बताया ना कि अपन को तो पता नहीं है, दादा को पता है। इतिहास बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, हम बस ढूंढ ही रहे हैं सारा इतिहास रस देंगे हम भी। हाँ बोलते हैं कि अब सबसे 10 लोग तब जाके हिंदुस्तान का 10% इतिहास पढ़ता है। और अभी तो 1% भी नहीं है। 1%? अरे 0.1% भी नहीं है। कुछ दिखा। तो भाई ये एक पुरानी मस्जिद है, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। अंदर भी बहुत अच्छा नजारा है। चलो भाई कुछ नजारे दिखाता हूँ। सो गाइज अपन चल रहे हैं, यहाँ से खाना वाना खाएंगे। ज़्यादा घूमने लायक प्लेस नहीं है, है ठीक। अभी तो क्या, पहले ठंड थी अब गर्मी है। अब नीचे उतरते हैं, थोड़े फोटोज़ और वीडियोस लेते हैं और ग्रुप के साथ, फिर कुछ करते हैं हंगामा। यार मैं आज जो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा सा सैड हूँ, अपसेट हूँ, क्या बोलूँ। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों की वजह से, दोस्त लोग के बारे में क्या बोले जाए, पता है कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, डीमोटिवेट करते हैं यार वीडियोस बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या कहूँ आपको। अभी स्ट्रगल चल रहा है मेरा, तो वो करता रहूँगा, हार नहीं मानना यार। पापा साथ हैं मेरे तो कर ही लूँगा सब, और आप लोग भी साथ हो मेरे तो आगे भी करते रहेंगे, और करना ही है बिल्कुल, रुकना नहीं है, झुकूंगा नहीं। तो गाइस नीचे उतर रहे हैं सब। वंदे वंदे वंदे। तो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब कुछ खाते पीते हैं। क्या प्रेम भाई नेक्स्ट कहानी? भूख लग रही है भाई, मतलब ढाबे पे जाने की तैयारी चल रही है। क्या खाएंगे भाई आज? ये भाई कुछ कह रहे हैं जो ऊपर तक नहीं जा सकती है, ऑफ रोड की वजह से यहीं पे खड़ी है। इतनी ऊपर गए थे भाई हम। कौन सा ढाबा है भाई ये? यादव रेस्टोरेंट। इतनी भीड़ चाय के लिए? हंस रहे हो भैया, इतनी भीड़ तो है ना इंदौर कैफे में भी नहीं लगती क्या? कैफे होता ना चाय बार, इतनी भीड़ उसमें भी नहीं लगती जितनी ये चाय की दुकान। चाय लवर इतने सारे हैं भाई। मतलब चाय सुट्टा बार भी फेल है भाई,
भाई की चाय के आ गए। चाय भट्टी बन रही है, चूल्हा भट्टी, मशीन वाली चाय से कड़क चाय एकदम। भीड़ देख रहे हो आप, लाइन लगी है भाई। बोलते टी लवर, टी लवर, ट्रू टी लवर। ठंड का इलाज चाय, चाय। हाँ भाई, तो भाई हमने खाना वाना खा लिया है और हम काफी लेट हो चुके हैं वहाँ से, और अभी ना हम इंदौर के लिए निकलेंगे। वैसे तो बहुत लेट हो चुके हैं यार, क्या बोलते हो? भी बढ़ते जा रही है, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, सारे राइडर्स भी निकल चुके हैं। ढाबा दिख गया था भाई, भूख बहुत तेज लगी हुई थी, तो खाना वाना खाया है यहाँ पर, बढ़िया खाना था। अब निकलेंगे इंदौर के लिए, तो अभी अपने डे के लिए कुछ बोल देते हैं। अरे यही नहीं बोलना था भाई, ठंड लग रही है। तो भाई बचपन में ऐसा होता था कि झंडे लेके स्कूल जाते थे और प्लस लड्डू झंडा लेके राइडिंग कर रहे हैं, झंडा लेके स्कूल में आते थे, आज झंडा लेके राइड पे जा रहे हैं। तो ये राइड थी, राइड के लिए काफी मजा आया।